ये देखिए ओम जो है रिधिमा बिंग बैंग पे बैठी हुई है। बिंग बैंग ले लेंगे बाद में, अभी तो नहीं, आज तो नहीं। तो ये जी बिंग बैंग पे बैठे हुए हमारे ओम तिवारी और कह रहे हैं कि भाई दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर नॉर्वे। मैं त्रिभुवन नॉर्वे ओस्लो से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और एक बेहतरीन दिन की शुरुआत और बेहतरीन ब्लॉग की भी शुरुआत होने जा रही है। और वीकेंड शुरू हो चुका है और बहुत सारे प्रोग्राम हैं पूरे दिन के, और बाहर का जो मौसम है वो भी बड़ा खुशनुमा मौसम है। आप मेरे पीछे की तरफ अगर आपको दिख रहा है, बेहतरीन धूप खिली हुई है और पेड़ों पर हरियाली आनी शुरू हो चुकी है यहाँ पे, और ठंड का मौसम जाता हुआ और समर की जो खुशबू है वो आनी शुरू हो गई है। हालांकि अभी ठंड तो टेम्परेचर लो रहता है, बट अभी वो जो फीलिंग है समर की वो आनी शुरू हो जाती है यूरोप में। और नॉर्वे का ये बेहतरीन वेदर मैं आपको ज़रूर आज दिखाऊँगा, बाहर निकलेंगे। और आज सारे लोगों का प्लान है बाहर निकलने का और फिर कुछ एक्सप्लोर करना है, कुछ मार्केट में घूमना फिरना है, वही सब आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो सुबह की शुरुआत नाश्ते के साथ, और जैसा कि आप नाश्ते में आप देखेंगे दो बेहतरीन सब्जियां आज बनी हुई हैं हमारे लिए, एक जो है पालक मशरूम और अरबी की सब्जी, और ये दोनों सब्जियां मेरी बड़ी फेवरेट है। एक बार आपको इसके दर्शन कराता हूँ मैं। तो ये देखें जी, ये है हमारी पालक और मशरूम की सब्जी, देखने में काफ़ी टेम्प्टिंग है, खाने में भी टेम्प्टिंग ही होगी। और ये है जी हमारी अरबी की सब्जी, और आज शोभा जी की उत्तराखंड की किचन में ये सब्जी तैयार है खाने के लिए, और खाना शुरू करते हैं। तो जी दोस्तों अब मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो पहली बाइट जो है ये अरबी की खा के देखते हैं। ये देखें आप, एकदम मस्त बाइट अरबी की, बेहतरीन। वैसे भी अरबी मेरी फेवरेट सब्जियों में से एक है। और अब खा के देखते हैं मशरूम पालक। तो देखें जी मशरूम पालक की पहली बाइट, बेहतरीन बनी है ये भी। और थोड़ा सा चटनी भी टेस्ट कर लेते हैं चटनी के साथ मशरूम। मस्त। हमारे ओम तिवारी बैठ चुके हैं और इनकी जो है खाने में जद्दोजहद जारी है, और सब्जी के साथ खाना है ओम तिवारी। तो जी रिधिमा तिवारी ने खाना शुरू कर दिया है और वीकेंड की मस्ती खाने के साथ, और सब्जी खा रही है ये। यस रिधिमा, कैसी सब्जी है ये? है पालक मशरूम, बहुत अच्छी है। सही में कह रही है या अच्छी है? सही है, इसकी स्माइल से ऐसा लग रहा है कि शोभा जी कैसी है सब्जी? से लग रहा है खुद ही बनाई है तो तारीफ करना ही है वो तो। हाँ, पर अच्छी हो रही है, अच्छी हो रही है। अरबी मुझे पसंद है, मैं अरबी नहीं ली। अरबी खा के तो देख ले तेरा। अरबी को मैंने साउथ इंडियन टच दिया, करी पत्ता। हाँ, काफी बहुत टेस्टी हो रही है अरबी की सब्जी। तो ये जी रिधिमा तिवारी, और बाहर का वेदर देखो आप, क्या मस्त वेदर है। और अभी हम बाहर निकलने वाले हैं और उसके बाद हम जो है कुछ मजे लेके आएंगे। तो
तो जी दोस्तों, अब आप देखो कि आज एक बेहतरीन दिन है बाहर और चारों तरफ आपको बिल्कुल क्लीन स्काई नज़र आएगा, बिल्कुल ब्लू स्काई नज़र आएगा और चारों तरफ जो है एक बहुत ही बढ़िया जो है वेदर आपको नज़र आएगा। और ऐसे वो वेदर को ओस्लो में, नॉर्वे में सारे लोग बड़ा इन्जॉय करते हैं। तो जैसा कि हम लोग भी प्लान कर रहे हैं कि अल्ला सेंटर में काफ़ी शॉपिंग, पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा बहुत चीज़ें ख़रीदनी है, तो उनको ले करके हमें आना है। साइज अब और नहीं होते हैं क्या? तो बात यह है कि अब थोड़ा सा वेदर यहाँ ठीक हो गया और मेरा भी प्लान है कि मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करूँगा और थोड़ा पेट दिखाई देने लगा है, तो बस इसी के लिए कुछ एक्सरसाइज वाले क्लोथ्स लेने के लिए हम आए हुए हैं। एक ये भी एक काम है, तो इसको निपटाते हैं। और मैंने जो है एक ट्राउज़र और टी शर्ट फाइनल कर ली है ऑलमोस्ट। और अभी ये सब पे करने के बाद अब थोड़ा सा और एक दो काम और निपटाने हैं। ये जो है यहाँ पे बहुत बढ़िया मिस्टर ग्रोन जो है, एक जितने भी प्लांट हैं अगर आपको लेने हैं, फ्लावर्स के प्लांट हैं और बहुत ही तरह की वैरायटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और ये बेस्ट शॉप है, आप देखो क्या बेहतरीन प्लांट यहाँ पर हैं। तो मोस्टली हम जो अपने समर के प्लांट लेकर आते हैं, समर में जितने भी प्लांट लाते हैं चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, वो मैस्टर ग्रोन से लेकर आते हैं और बहुत अच्छी शॉप है। तो जी जो है अब हमने काफ़ी सामान खरीद लिया यहाँ पे और अब जो है हमारा जो प्लान है वो कुछ खाने का है। तो देखते हैं, अगर हम कुछ खाते हैं तो उसके बाद हम जो है बताते हैं, फिर कुछ और काम करते हैं। तो जी ओम तिवारी अपनी चीज़ें सेलेक्ट करवा रहा है खाने के लिए और इसके बाद मुझे लग रहा है तुम तो वो बर्गर वगैरह खाता नहीं है जिसमें आता भी है। इसमें दो स्मूदी आधा थ्री पीच पैशन और मैंगो एंड अनानास पाइनएप्पल। मुझे वो चाहिए, मिल्क शेक चाहिए, वनीला कैरमल नहीं चॉकलेट चाहिए। बोलो आपको भी चाहिए मीडियम 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 के लिए। आपको शेक पीना है, मीडियम में भी चाहिए। ओम तिवारी बैठ गया है और ये रिधिमा तिवारी को एकदम खाने के लिए एकदम तैयार है ये। और अभी इनका मील आने वाला है और ये शोभा जी हैं, ये भी कुछ ना कुछ खाने के लिए तैयार है, पीने के लिए तैयार है। तो ये है जी, मील आ चुका है हमारा, ये मेरा शेक है और ये जो है तप्पी का कोई ड्रिंक है, ये मिल्क शेक है और ये इनके बर्गर हैं जी। तो
अभी हम जो है ये खाना शुरू करेंगे। ये देखें ओम तिवारी अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है उसने, और रिधिमा ने भी कार्यक्रम शुरू कर दिया है। तो जी अब हम जो है मार्केट से ख़रीदारी करके अल्ला शॉपिंग सेंटर में घूम घाम के बच्चों को वीकेंड पे थोड़ा बाहर टहला टोलू के अब जो है हम घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और अभी जो है हमने जो जो चीज़ें लेनी थी वो हम ले चुके हैं। आप देखें वेदर काफ़ी बेहतरीन है।